विशाल जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. विशाल जी, आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज पहुंच रही होगी. यस सर, बिल्कुल जी. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल मेगा सीएनटी प्रोग्राम के अंदर, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के अंदर. जैसा विशाल जी ने बताया साथियों, मेरा नाम सतपाल अधाना है और लगभग मुझे इस प्रोग्राम के अंदर 7 वर्ष हो गए हैं. पेशे से इंजीनियर हूँ एंड आई एम आज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके साथ आज के समय का एक ऐसा प्रेजेंटेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ऊपर काम करके आज पूरे तमाम इंडिया के अंदर और कई सारी कंट्रीज के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने काम के साथ साथ अपना बड़ा कैरियर आज बना पा रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जिसमें आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिसमें जॉब करने वाले हैं, अपना सेल्फ बिजनेस करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और आज ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 100 रुपए से लेकर आज 1 करोड़ रुपए जैसी आय इस प्रेजेंटेशन, इस बिजनेस के माध्यम से लोगों के पास है. तो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन ताकि मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से लेके जा सकूं और आप समझ सकें, जान सकें इस मेगा अपॉर्चुनिटी के बारे में. मेरी गुजारिश है कि कुछ सवाल हो सकता है जरूर इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपके दिमाग से आए गुजरे. मैं गुजारिश करूंगा कि केवल 40 मिनट अपने आप को ध्यानपूर्वक इस प्रेजेंटेशन के साथ में रखिएगा, नंबर वन. नंबर टू, जो भी आज आपको यहां से मिलने वाला है, कोई भी ऐसा सवाल यदि आपके दिमाग में आए तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान जरूर आपको उसका समाधान मिलने वाला है. सो साथियों, हेयर आई बिगिन. यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी आय व कमाई का साधन, जी हाँ, आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े. और आज जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज जो काम की स्थिति है, बिजनेस की स्थिति है, जॉब की स्थिति है, वहां पर यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी आय व कमाई का साधन साथियों जो रिसेशन प्रूफ हो, जो लॉकडाउन प्रूफ हो, जी हाँ, जैसे लॉकडाउन आपके सम्मुख रहा है, जिसमें कोरोना प्रूफ कैरियर हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप और हमें धन दे सके, संपदा दे सके और वेल्थ क्रिएशन आप और मेरे परिवार के लिए कर सके. यदि आप कुछ ऐसी आय का साधन ढूंढ रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं, बिकॉज आज एक रास्ता आपको मिलने वाला है जिस पे चलकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है. माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के सपने हैं, जी हाँ, बड़ी संपदा, ड्रीम हाउस, वो लग्जरी कार, बच्चों के लिए अच्छा कैरियर, स्वस्थ परिवार, विदेश यात्राएं, घूमना फिरना, रिक्रिएशन इन लाइफ और एक ऐसा बैंक बैलेंस जहां पर जिंदगी को बेहतर गुजारा जा सके. लेकिन आप अब सवाल आता है कि क्या आप और हम जो कमाते हैं और जो आज के खर्चे हैं, क्या हमें वो ड्रीम लाइफ जीने के लिए मदद कर पाते हैं? क्या आज हमारी कमाई हमें हमारी ड्रीम लाइफ की तरफ लेके जा रही है? आपके सामने एक सर्वे है, जरा सोचिए, क्या आज आपकी कमाई महंगाई के अनुपात बढ़ रही है? ये सवाल हर किसी के लिए अपने लिए इंडिविजुअल है. साथ ही 1940 के समय में यदि आप देखें तो उस समय 10 रुपए के अंदर परिवार का पालन पोषण होता था. 20 वर्ष के बाद ये 100 रुपए, अगले 20 वर्ष 1980 में 1000, फिर 10,000, 2020 तक लगभग 1 लाख. यदि इसी सीरीज में अगले 20 वर्ष 10 वर्ष को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2030 तक आते आते शायद एक परिवार का अच्छा पालन पोषण 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख जैसी आय के साथ होना संभव हो. लेकिन क्या आज हम जो कमाते हैं उस कमाई के अंदर क्या आज इतनी ग्रोथ है जितना आज महंगाई बढ़ती जा रही है? यदि ये सवाल भी आपके लिए है और ये सवाल आपके जहन में चलता है तो आज आप आंसर पाएंगे इस प्रोग्राम के तहत, कैसे उसके अंदर आप बड़ा कर सकें. समझते हैं, एक आम इंसान अपनी जीविका कमाने के कौन से तरीके अपनाता है. इस मॉडल को कहते हैं ESBI मॉडल. ई फॉर एम्प्लॉइज, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर. इस स्लाइड को यदि आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं या जितने भी लोग यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, आप और हम इन्हीं में से किसी एक वर्ग का हिस्सा है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का हिस्सा है. ई से एम्प्लॉय और एस से सेल्फ एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो आबादी का लगभग 95% लोग हैं, माय डियर फ्रेंड, और ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं. जी हाँ, काम पे जाएंगे तो इनकम आएगी, काम पे नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी. या मैं यूं कहूं कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में काम पर नहीं जा पाए तो भी शायद इनकम नहीं आई होगी, ना एम्प्लॉय की, ना सेल्फ एम्प्लॉयड या दुकानदार साथी की. एक और वर्ग है जिसको कहते हैं बी फॉर बिजनेसमैन, जो आबादी का 5% है और जिनके ऊपर पूरी संपदा का 95% धन है, और इनको कहते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाले लोग. ये कौन सी कैटेगरी है? ये एसेट्स बनाते हैं जहां पर एक समय ये कार्य करते हैं
और उसके बाद इनके जो एसेट्स हैं वो इनके लिए कार्य करते हैं, बिजनेसमैन के लिए कार्य करते हैं और ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल ये आता है कि आम आदमी के लिए बी फॉर बिजनेसमैन और पैसिव इनकम और 5% आबादी में आने के लिए क्या रोकता है, क्या वो चीजें हैं जो एक व्यापारी यानी कि बड़ा बिजनेसमैन करता है और एक एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है लेकिन शायद ही वो इतने बड़े सुख और संपदा तक अपने आप को पहुंचा पाता है। बड़े फ्रेंड्स आइए जानते हैं बड़े बिजनेसमैन लोगों ने क्या किया। स्लाइड में आपके सामने है दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, समझिएगा ध्यान से, उन्होंने अमीर व सफल बनने के लिए अमीरी के सिद्धांत अपनाए हैं। दे हैव फॉलोड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग वेल्दी। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आज बड़े लोगों ने अपने जीवन में अपनाए हैं, आइए इस बारे में समझते और जानते हैं। साथियों एक सिद्धांत जो दिया मिस्टर जे पॉल गेटी साहब ने 1960 की सदी के अंदर, जो उस समय के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल किंग कहलाते थे, यूएस ऑयल किंग कहलाते रहे, जो करोड़ों की संपदा उस समय जिनके पास रही, उस जमाने के करोड़पति मिस्टर जे पॉल गेटी, इन्होंने किताब लिखी और किताब का नाम दिया हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बने। किताब में ये नहीं लिखा कि बढ़िया नौकरी कैसे करें, किताब में ये नहीं लिखा कि बड़ी दुकान कैसे चलाएं, किताब में लिखा कि कैसे बने आप अमीर। और तीन प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए वो आपके सामने हैं। पहला प्रिंसिपल इन्होंने कहा कि आपको वही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे जिनके स्वयं के बिजनेस है, जो स्वयं अपने बॉस हैं। दूसरा, उस कार्य के अंदर आपकी सफलता बड़ी होगी जहां पर उत्पाद और सेवाएं नीड बेस्ड हो, लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट्स हो और जिनके अंदर सुबह से लेकर शाम तक एक आम आदमी की जरूरत को पूरा करने के उत्पाद आते हो, जिन्हें रोजमर्रे के प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जिनमें कार हो, कार मतलब चलाने वाली कार नहीं, इस कार का मतलब है कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिसाइक्लेबल। यदि आप अपना कार्य करें और नीड बेस्ड प्रोडक्ट का बिजनेस करें तो आपके आपको अमीर बनने में एक नई राह आपके सामने है। और तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने कहा मल्टीप्लाई योर टाइम एंड एफर्ट्स। आप अकेले यदि कार्य करते रहेंगे तो उतना ही कमा पाएंगे जितनी आपकी क्षमताएं हैं। यदि क्षमताओं को मल्टीप्लाई करना है, अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना है तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आपको गुणित करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने समय को, अपने एफर्ट्स को और अपने वर्किंग आवर्स को। और इसे इन तीन प्रिंसिपल्स पे काम करके बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे रास्ता बड़ा किया और सफलता प्राप्त करी। उदाहरण, एक डॉक्टर क्षमतावान है लेकिन एक और डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर बत्रा। इन्होंने मल्टीप्लाई किया अपने हैंड्स को बाय बिल्डिंग टीम, बाय बिल्डिंग नेटवर्क। एक और साथी सैलून ओनर जो बन गए आगे चल के जावेद हबीब, क्या किया इन्होंने, अपनी गुणवत्ता को, क्षमताओं को मल्टीप्लाई किया बाय मल्टीप्लाइंग देयर हैंड्स, बाय क्रिएटिंग टीम। एक सब्जी वाला अकेला कितना बेचेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वहीं पर बड़े बड़े मॉल्स जैसे रिलायंस फ्रेश, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, सेवाएं वही हैं, सेम सर्विसेज, बट दे हैव मल्टीप्लाइड, दे हैव मल्टीप्लाइड देयर टाइम, देयर हैंड्स बाय क्रिएटिंग नेटवर्क, बाय क्रिएटिंग टीम। पावर ऑफ नेटवर्क क्या समझाता है, लोग समझ गए, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं और जो समझ रहे हैं आज कि समय ही धन है, टाइम इज मनी, ये बात समझी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स ने कि सीमित समय सीमित आय देगा, असीमित समय असीमित आय देगा, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। जैसे अपनाया इस प्रिंसिपल को KFC ने, मैकडीज ने, स्टारबक्स ने, पिज्जा हट ने, बिट्टू टिक्की वाला, हल्दीराम, ऐसे अन्य न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने आप को फ्रेंचाइज किया और अपने हैंड्स को मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है इसलिए आम आदमी के अप्रोच से बाहर है। ये लोग समझ चुके थे इस पावर को, यदि अमीर बनना है तो काम करने के घंटे, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। उदाहरण बतौर, क्योंकि दिन में सीमित है, दिन में समय सीमित है, इसलिए इन्होंने फ्रेंचाइज कर दिया अपने कार्य को। यदि 1000 शोरूम है माय डियर फ्रेंड किसी के पास और हर शोरूम में 10 घंटे कार्य होता है तो 10,000 घंटे कार्य हुआ उस शोरूम के लिए। करोड़ों रुपए लागत लगाने के बाद भी फ्रेंचाइजी देने की आगे इसमें क्षमता नहीं होती, पावर नहीं होती जो फ्रेंचाइज ले लेते हैं, इसलिए आम आदमी इस मॉडल में नेटवर्क नहीं बना पाता। लेकिन नेटवर्क में पावर है, टीम बनाने में जे पॉल गेटी जी का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है। लेकिन आम आदमी क्यों दूर है इस सब से, क्योंकि आम आदमी बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास बड़े सारे चैलेंजेस हैं माय डियर फ्रेंड। कैपिटल लगाना पड़ता है, मैकडीज ऐसे नहीं खुल जाता, मे बी कोई फैक्ट्री लगाना
करनी पड़े, आपको उस कार्य क्षेत्र की नॉलेज अच्छे से हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बड़ा ऑफिस, सुंदर सा ऑफिस, उसकी कीमत भी आज कब नहीं। रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है जब आप पैसा लगा के इसमें कार्य करते हैं, और कोविड जैसा इम्पैक्ट यदि आ जाए तो हो सकता है कुछ लोगों ने 3 महीने 4 महीने पहले नई फैक्ट्री डाली हो, नई दुकान शुरू की हो, और आज जानते हैं उनका हाल क्या है, ना तो वो लोन चुका पा रहे हैं, ना दुकान पे अच्छे से व्यापार कर पा रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए हमेशा चैलेंज रहा है कोई भी बिजनेस शुरू करने का। लेकिन मैंने आपको बताया ESBI, बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। कौन से वो लोग? जो अपने टाइम एंड एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माय फ्रेंड, एक बात और बड़े मजेदार है जो आपको समझनी है कि दुनिया में किसी भी बड़े व्यापार को बड़ा व्यापार बनाता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक कंज्यूमर ही मार्केट में व्यापार का सूत्रधार है। एक कंज्यूमर ही मार्केट के अंदर सूत्रधार है। इसका मतलब ये कि आप और हम, चाहे मार्केट में हम और आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, लेकिन हर कार्य के अंदर आप और मेरा ही पार्टिसिपेशन है। किस रूप में है, आइए इसको समझते हैं। आज के समय में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करें, टाटा, बाटा, रिलायंस, सैमसंग, एयरटेल, जियो, फ्लिपकार्ट, यू टॉक एनी कंपनी, आप पाएंगे कि चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा किसने बनाया है? हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बड़ा बनाया है, माय फ्रेंड, केवल और केवल एक व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ता की छोटी छोटी ताकत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने में कार्य कर रही है, जो आपके सम्मुख है। माय फ्रेंड्स, इस कंज्यूमर की ताकत को ही बनाकर आगे इस्तेमाल करके इसके आधार पर ही आज लोग बड़े हैं। इसको कंज्यूमर पावर कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर इस कंज्यूमर के ऊपर सारा व्यापार है, लेकिन एक बात विचार करने की है कि कंज्यूमर के बारे में कोई विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो काम करते हैं वो पावर देते हैं कंज्यूमर, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। आइए समझते हैं कैसे। आज कोई भी कंपनी उठा लीजिए, उसका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उस प्रोडक्ट को यूज कौन करता है? जी हाँ, कंज्यूमर यूज करता है। पैसा लेके जाता है, मार्केट में जाता है, खर्च करता है, चाहे वो शॉप में जाए, मॉल में जाए, अमेजोन पे जाए, फ्लिपकार्ट पे जाए। लेकिन गौर कीजिए, उस प्रोडक्ट को बना कौन रही है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किसको दे रही है? क्या डायरेक्ट कस्टमर को? बिल्कुल नहीं। डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉपकीपर है। 40% कंपनी की कॉस्ट और 60% उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। यदि 100 रुपए का उत्पाद कोई है तो उसमें से 40 रुपए कंपनी का हिस्सा है और बाकी 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। माय फ्रेंड, किसको? उन लोगों को जो इस चैनल का हिस्सा है, परंपरागत व्यापार का हिस्सा है। बड़े कमाल की बात यह है कि 60% इन लोगों को बढ़ जाता है। कैसा लगेगा ये 60% जो आपका था, यदि आपको ही वापस आना शुरू हो जाए? और कितना बड़ा अमाउंट है विचार करके देखिएगा। यदि आज भारत के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, यदि उसका 60% कहीं जाता है तो 1,000 करोड़ का लगभग 600 करोड़ रुपए, और ऐसे कितने मल्टीपल करोड़ टर्नओवर है जिनको बनाने का काम किया कंज्यूमर ने और कमाने का काम किया इस ट्रेडिशनल मॉडल ने। इसमें कहीं पर भी राइट नहीं है इस उपभोक्ता के पास जो इसको बड़ा बनाता है। माय फ्रेंड, कैसा लगेगा आपको ये 60% जो आपकी कमाई है आपकी ही जेब में वापिस आ जाए? जी हाँ, इस सवाल का जवाब है वो इंडस्ट्री जो आज दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रही है। माय फ्रेंड, ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर तो कंज्यूमर का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसमें लोग बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा डीपली रूटेड हैं। लेकिन एक नया वृक्ष जो कंज्यूमर को एम्पावर करने का लगा है, एक नई व्यवस्था जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर को एम्पावर करने का बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग नाम से ही समझ में आता है, सीधा व्यापार। किसके बीच का व्यापार? कंपनी और कंज्यूमर के बीच का व्यापार। देखिए, हर मॉडल में, एनी मॉडल यू टॉक अबाउट, कंज्यूमर एंड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। दोनों, कंपनी होनी चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए, लेकिन बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके खाते में जा रहा है और वो किसके खाते में जाना चाहिए, उस अधिकार क्षेत्र को आगे लाने का कार्य किया इस इंडस्ट्री ने, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बड़े सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें क्या है, ये क्या कार्य है, इसमें कैसा काम करना है, इसमें पैसा कहां से आता है? तो समझिए, जब आप डायरेक्ट कंपनी से एसोसिएट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी तरफ आना शुरू होता है, और यही कारण है कि आज लोग इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम पे आज हैं। और कौन? जो एक आम कंज्यूमर है। आइए समझते हैं इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कौन क्या कहता है। द वर्ल्ड्स लीजेंड्स व्यू अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आप हैं मिस्टर बिल गेट्स,
इन्होंने कहा इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग. ऐसा ख्याल है इनका नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति. डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड. पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यूएस, उन्होंने कहा डेवलप्ड कंट्रीज के कई सारी कंट्रीज का बैकबोन के रूप में कार्य किया है डायरेक्ट सेलिंग ने, क्योंकि विदेशों में इस इंडस्ट्री का जो उद्गम है वो 50 साल 60 साल 70 साल हो चुके हैं इस बड़े प्लेटफॉर्म को कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए. और तो और दुनिया के एक और वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर जिनको वॉरेन बफेट कहा जाता है, आप भी अपनी गाढ़ी कमाई और बड़े वेल्थ में से ऐसी कंपनियों में आप भी इन्वेस्ट करते हैं. मोर देन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आप भी इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर. ऐसा क्यों है माय फ्रेंड्स? क्योंकि इनका विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग अब एक नया व्यवस्था है, उद्गम है, एक नया सिस्टम है जो आम लोगों को ताकत प्रदान करेगा और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है. आपको और मुझे भी इस बात को समझना है. भारत के संदर्भ में समझते हैं कि इंडिया में क्या पोटेंशियल है और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट और आज भारत इस बारे में क्या विचार रखता है. ये न्यूज लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्होंने कहा 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग की होगी जो आपके सम्मुख है. गांव गांव तक रोजगार पहुंचाने का काम करेगा डायरेक्ट सेलिंग. महिलाओं के उत्थान में कार्य करेगा डायरेक्ट सेलिंग. और तो और फिक्की और KPMG, इनके बारे में आप नेट पे जाइए पढ़िए और आप जानेंगे कि ये संस्थान भी बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक भारत में करीब 64,500 करोड़ जैसा सिस्टम बनाने वाला है. और COVID-19 पर तो आने पर यह व्यवस्था और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है. और है नीति आयोग के चेयरपर्सन श्री अमिताभ कांत, जो कि हमारे जो बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप कंपेन. आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग क्या भारत के अंदर करने वाली है. टर्नओवर वर्ल्ड वाइड, ये एक ऐसा डेटा है जो आपके सामने है साथियों, जिसको देखने के बाद काफी ऐसे आज साथी होंगे जो अपना व्यापार चलाते हैं, अच्छे उद्यमी हैं, बड़े व्यापार चलाने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जो गांव देहात के लोग हैं, जो ये जान पाएंगे कि एक आम आदमी ने अपने आप को कितना बड़ा बनाया है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में आने वाले समय में है. इफ यू टॉक अबाउट US, 35 करोड़ आबादी में 2,12,000 करोड़ का व्यवस्था या टर्नओवर आज डायरेक्ट सेलिंग करती है. यदि जापान की बात करें तो 12 करोड़ की आबादी, लगभग 1,16,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर इस इंडस्ट्री का. इफ यू टॉक अबाउट कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, 3 करोड़ आबादी मलेशिया की है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर मलेशिया में डायरेक्ट सेलिंग करती है. माय फ्रेंड, यदि भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपने इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो 120-130 करोड़ से ज्यादा आबादी देश केवल 13,500 करोड़ अभी डायरेक्ट सेलिंग भारत में कर रही है. और जैसा फिक्की और KPMG का रिपोर्ट है, 2025 उससे पहले ही रादर 64,000 करोड़ का टर्नओवर ये व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर करने जा रहा है. विचार है आप और मेरे लिए इस बात को विचारने का कि यदि इतनी व्यवस्था आगे बढ़ने वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इतना बड़ा है, तो मैं क्या करूं और मैं किस कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट करूं. माय फ्रेंड, किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने से पहले आप स्कूल का रिजल्ट जरूर देखते हैं, स्कूल के सर्टिफिकेशन जरूर देखते हैं, उसका सेटअप भी जरूर देखते हैं. तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 16 वर्ष जिसको आज इंडिया के अंदर हो गए हैं. माय फ्रेंड, ये भारत की अपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में आज हैं, जिनमें से टॉप 100 में से 30वें पायदान पर आज वेस्टीज आती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर. माय फ्रेंड्स, करीब करीब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज के अंदर आज है, 3,000 से ज्यादा सेटअप सेंटर्स अक्रॉस पैन इंडिया, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज के साथ हैं और डेली बढ़ रहे हैं. एक भारतीय कंपनी जो इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी जा रही है, ISO, GMP, हड़सा, हलाल, ग्रेट प्लेस टू वर्क जैसे सर्टिफिकेट आज वेस्टीज के पास है. और हम लोकल, वोकल और ग्लोबल जैसे विचार को आज काम कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर. माय फ्रेंड, जी हाँ, इंडिया से शुरू कर विदेशों में भी आज वेस्टीज अपना परचम लहरा रहा है. माय फ्रेंड, और जानते हैं सिस्टम और वेस्टीज के बारे में. वेस्टीज 2025 के अंदर मिशन है कि हम 20,000 करोड़ टर्नओवर करें और 50 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग के मिशन पे आगे लेके चले. आइए जानते हैं वेस्टीज प्रबंधन यानी कि वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में.
आप है श्री गौतम बाली जी, सरदार कन्वरवीर सिंह जी एंड मिस्टर दीपक सूद, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और इनके तजुर्बे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम, क्योंकि आप आज वेस्टीज को कहां लेकर आ गए, 5 करोड़ के टर्नओवर से बढ़ते बढ़ते 2004 से फिर 10 करोड़, 30 करोड़, बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष 1850 करोड़, और इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 2500 करोड़ को वेस्टीज ने टच किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत के अंदर। माय फ्रेंड, वेस्टीज को कई सारे अवार्ड, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी 2012 में श्री गौतम बाली जी को मिला द बेस्ट सीईओ ऑफ एशिया, और नॉट ओनली दिस, आज कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो इनकी कार्यशैली पर आज मिले हैं। यह दर्शाता है कि वेस्टीज की मैनेजमेंट कितनी विजनरी है। हमारा हेड ऑफिस जो कि ओखला के अंदर है साथियों, ये कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है जो दिल्ली के अंदर है। नॉट ओनली दिस, आज हम वर्ल्ड के कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जैसे दुबई, नेपाल, बहरेन, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश और कई कंट्रीज के अंदर और आने वाले हैं। ये दर्शाता है कि वेस्टीज अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी को बेहतर रखकर आज इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स की ख्याति प्राप्त करता जा रहा है और 300 से ज्यादा ऐसे विश्व स्तरीय प्रोडक्ट रेंज लेकर आया है जो आज की जरूरत है, लोगों की मांग है और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई ही दुनिया का व्यापार है, तो वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उन्हीं प्रोडक्ट्स को शामिल किया है जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, आयुर्वेद में आज ऐसी व्यवस्था जो लोगों की इम्यूनिटी, लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता और लोगों को आज के खान पान और रहन सहन को देखते हुए आज उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सके और ऐसे दाम के अंदर, ऐसे प्राइस में जिसे आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सके। ओरल केयर के अंदर आए आयुषांते आयुर्वेद में मेंस ग्रूमिंग रेंज, पर्सनल केयर रेंज, डेली नीड जिसे कहते हैं, शार्प के साथ वाटर एयर प्यूरिफिकेशन के अंदर, और जी हाँ, एग्रीकल्चर में किसान भाइयों के लिए ऐसे उत्पाद जो कि कृषि में लागत करे कम, यूरिया डीएपी को करे कम और बेहतर फसल लाने में मदद करे। रसोई की ताकत, किचन के पावर, जो हमारी कुकिंग ऑयल, कॉफी और ऐसे उत्पाद जो हमारे सिर्फ ब्रेकफास्ट में आते हैं। वुमेन्स के लिए मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक रेंज, वेट मैनेजमेंट के अंदर, वुमेन्स हेल्थ के अंदर, हाइजीन के अंदर, हाउस कीपिंग के अंदर, आज ऐसे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट वेस्टीज काम करता है। पहली बार भारत के अंदर लेकर आए सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसके सेशंस आपको मिलते रहेंगे, जहां हमारे डॉक्टर्स और हमारे ट्रेनर्स समझाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, कैसे खाने हैं और ये किस रूप में आपको काम करेंगे। माय फ्रेंड्स, इम्यूनिटी के बारे में आज आप सुन रहे हैं, आज हर तरफ न्यूज़पेपर, चैनल, मीडिया बता रहा है कि COVID-19 जैसे वायरस के साथ यदि आज आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बेहतर करते हुए, जिसमें वेस्टीज, नॉनी, स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रॉम, एलोवेरा, सीबकथॉर्न, आमला जैसे प्रोडक्ट जो लोगों को आज मदद कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, आज की पुअर हैबिट और लाइफस्टाइल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए आयुर्वेद कहता है लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। और आप ही नहीं माय फ्रेंड, आज कई सारे न्यूज चैनल्स, जो रेप्यूटेटेड न्यूज चैनल्स हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों की बड़ी मांग डिमांड, अगेन मैं कह रहा हूं, व्यापार किससे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई, और डायरेक्ट सेलिंग आज ऐसे उत्पादों के साथ कार्य करता है जिनकी डिमांड है अथाह, सप्लाई है अभी कम, और आप जैसे उद्यमी लोग जब सिस्टम में आएंगे तो आप एक बेहतर स्वर्णिम भविष्य इसमें बना पाएंगे। माय फ्रेंड, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर जो मैं बता चुका हूं, कॉस्मेटिक रेंज, और साथ के साथ वीपीडी यानी कि वेस्टीज बेस्ट डील में किराने के वो प्रोडक्ट्स जो आज हमारे खान पान के, हमारी रसोई का हिस्सा है, चाहे वो चावल है, दाल है, आटा है, चीनी है, मसाले है। जब 6.5 साल पहले वेस्टीज मैंने शुरू किया अपनी जॉब के साथ, तो लोग मुझे कहते थे सतपाल जी आपकी कंपनी में चावल है, आटा है, दाल है, नमक है, हल्दी है, तो मैं लोगों को कहता था कि सर हमारी कंपनी के साथ अभी ये नहीं है। लेकिन आपको खुशी होगी जानकर कि आज आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेस्टीज आज इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है और ऐसा ऑफर अपने रूटीन राशन पे भी देता है कि 2000 के प्रोडक्ट 3 महीना लीजिए वेस्टीज से, 1000 रुपए का राशन फ्री ले जाइए 3rd महीने, और यदि आपका परिवार बड़ा है 3500 का राशन 6 महीने लगातार लीजिए और 7वें महीने 3500 का राशन बिल्कुल फ्री ले जाइए। माय फ्रेंड, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी रेंज जो आज आपके सामने है। नॉट ओनली दिस, वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट्स पर एक और चीज दी जो नए लोगों के लिए खास है, जिसको कहते हैं मनी बैक गारंटी।
यदि आप वेस्टीज का स्पायरुलिना नोनी या चाय जो भी आप लेते हैं, क्योंकि पहली बार हो सकता है आपने प्रोडक्ट सुना हो। लोग कहेंगे सर हम कैसे विश्वास करें प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वैसे तो कहते हैं चाय में चीनी कितनी है पीने से पता चलेगा। वेस्टीज फिर भी आपको कहता है प्रोडक्ट यूज कीजिए महीना भर, यदि आप 25% यूज करने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम बैठे हैं आपके लिए 100% मनी बैक गारंटी के साथ और योर फुल मनी रिफंडेड। कमाल हो गया माय डियर फ्रेंड, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास करती है तो ही मनी बैक गारंटी आज अपने प्रोडक्ट्स पे देती है। आपके सम्मुख है हमारे वीवीडी स्टोर्स, जहां पर कोविड से पहले लोग पर्सनली प्रोडक्ट लेके आ सकते थे, लेकिन आज लोगों को केवल 1600 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने मोबाइल की ऐप से आप ऑर्डर कीजिए, और प्रोडक्ट 1600 रुपए केवल मात्र ऑर्डर है या इससे ऊपर तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री आपके घर पे कुरियर हो जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। आइए देखते हैं वेस्टीज के सेटअप। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज कोई ऐसी कंपनी नहीं जो आज है और कल नहीं रहेगी। वेस्टीज ने अपने रोबस्ट नेटवर्क क्रिएट करें, ये तमाम हमारे ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, लोकेशंस के ऊपर आज 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं जो 5000 से लेकर 10000, 12000, 15000, 20000 स्क्वायर फीट तक है और उससे ज्यादा। ये सारे सेटअप दर्शाते हैं वेस्टीज के अंदर उस विश्वास को जो आप और हम काम करते समय अपने लोगों को दे सकते हैं। अब सवाल आता है वेस्टीज में करना क्या है। सर्वप्रथम वेस्टीज में आप आते हैं और वेस्टीज को रजिस्टर करते हैं, जिसमें आपको एक नंबर मिलता है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कह सकते हैं या आम भाषा में कंज्यूमर नंबर कह सकते हैं। क्या देगा वेस्टीज इस नंबर से? वेस्टीज कहता है दुकान बदलिए, लाइफ बदलिए। दुकान, जी हाँ, प्रोडक्ट तो आप दुकान से ही लाते हो ना, लाते हो तो कैसे लाते हो, पैसे देते हो ले आते हो। वेस्टीज कहता है कि आप यहां पर भी अपनी च्वाइस का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन हम आपको देंगे क्या, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर आपसे अटैच है। पहला बेनिफिट, सेविंग ऑन योर प्रोडक्ट यूज 10-20% एमआरपी डीपी का डिफरेंस। यदि प्रोडक्ट का एमआरपी 120 तो आपको मिलेगा 100 रुपए का, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, परफॉर्मेंस बोनस जो 5 से लगभग 11% होगा, रिपर्चेज ऑफर जो 10% है, और कंसिस्टेंसी ऑफर जो बड़े कमाल का ऑफर है, जो कंपनी कहती है कि यदि आप 60 PV यानी 1800 से 2000 का प्रोडक्ट यदि 4 महीना लगातार लेते हैं तो 5वें महीने 1250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, और यदि आप 100 PV यानी 3000 से ऊपर का प्रोडक्ट आपके घर में कंज्यूम होता है महीना और 4 महीना लगातार लेते हैं तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री। माय फ्रेंड, लगभग सबको टोटल कर दूं तो 50% तक की एक सेविंग एक कंज्यूमर को मिलती है, जो पहला लाभ है एज ए कंज्यूमर। बहुत सारे लोग वेस्टीज को सुनते हैं, कहते हैं सर मुझे काम समझ नहीं आया लेकिन प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो क्या एज ए कंज्यूमर मुझे कुछ वेस्टीज से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मेरे फ्रेंड्स, ये सारे लाभ वो हैं जो केवल कंज्यूम करने पर हैं। अभी आपने ध्यान कीजिए, किसी को बताया नहीं है, आपने किसी को समझाया नहीं है, सिर्फ आपने अपनी दुकान बदली, और इसको कहते हैं सेविंग, बचत। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, जो वेस्टीज ने पहला काम किया एक कंज्यूमर के लिए। दूसरा काम है, यदि कंज्यूमर चाहे तो इस लाभ को अपने यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार को रिकमेंड कर सकता है, सलाह दे सकता है। रिकमेंडेशन बड़ी पावर रखती है मेरे फ्रेंड्स, और इस रिकमेंडेशन की पावर के आधार पर आप बना सकते हैं कंज्यूमर नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क बना सकते हैं? कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हैं। जे पॉल गेटी जी ने जो कहा, क्या कहा, तीसरा प्रिंसिपल, कि केवल अकेले काम नहीं करना, आपने नेटवर्क क्रिएट कर सकें और हैंड्स मल्टीप्लाई कर सकें अपने लोगों के साथ, तो आप बड़ा व्यापार क्रिएट कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड, जब आप कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपको मिलता क्या है? आपको मिलते हैं ये लाभ जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो है वेस्टीज का आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। 9 प्रकार की आय देगा वेस्टीज आपको, नेटवर्क बनाने पर, सलाह देने पर। सामने लिखे हैं आपके रिटेल प्रॉफिट 10-20%, परफॉर्मेंस बोनस जो 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप और आपका नेटवर्क जितना काम करेगा उस पर 5 से लेकर 11% का प्रॉफिट अलग आएगा। जैसे आप 11% चले जाते हैं, आपको कंपनी ब्रांच डायरेक्टर एक टाइटल देती है अपने प्लान के अंदर, जहां कंपनी के टर्नओवर का 4% एक पूल इनकम के रूप में ब्रांच डायरेक्टर यानी 11% एन अबव को बांट दिया जाएगा। जैसे जैसे आप और आगे चलते हैं आप प्लान के अंदर, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है 14% कंपनी के टर्नओवर का, एलओबी लीडरशिप राइडिंग ओवरराइडिंग बोनस मिलता है 16%, विदेश यात्रा जाने के लिए 5%, कार फंड के रूप में 5%, हाउस फंड 3%, और एलीट क्लब बोनस जो कि 2% है। ये सारी की सारी इनकम आपको मिलती कब है? जब आप 2 कार्य करते हैं, पहला आप अपनी दुकान बदलते हैं और दूसरा इस दुकान के बेनिफिट आप अपने लोगों को बताते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप रेस्टोरेंट के बारे में राय देते हैं,
एक मूवी अच्छी लगती है तो बताते हैं, एक साड़ी अच्छी लगती है तो लेडीज डिस्कस करती हैं, कोई गाड़ी अच्छी लगती है तो हम आपस में सलाह देते हैं, और तो और दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण कार्य यानी कि शादी भी रिकमेंडेशन की पावर के तहत सोसाइटी में मूव करती है। ऐसी सलाह जो अभी तक कोई पैसा नहीं देती थी, एक ऐसी सलाह जो 9 प्रकार की आय देती है वेस्टीज के अंदर प्रोडक्ट्स को यूज करके और रिकमेंड करके। इस प्लान पे काम करके आज भारत में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग वर्ग से हैं, कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। मिलिए मिस्टर एंड मिसेज सिद्धार्थ सिंह एंड मिसेज चंचल मैम से, जिनकी आय इस बिजनेस में आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रही लॉकडाउन से पहले। माय फ्रेंड, ऐसा कपल जो लॉकडाउन के समय पे भी जिनकी इनकम 64 लाख से ज्यादा रही, जब मार्च अप्रैल में आपको पता है कैसा था, अब तो चलो और बढ़ गया बिजनेस क्योंकि अब मूवमेंट शुरू हो गई है। लोग कहते हैं 60 साल के बाद मैं क्या करूंगा। मिलिए श्री रमेश पुन्हानी जी से, 78 वर्ष की एज से ज्यादा हैं और आज 2 करोड़ से ज्यादा इनकम सालाना। बहुत पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर सुंदर राजन BHEL के अंदर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर आप कार्य करते रहे और आज वेस्टीज के अंदर वेस्टीज एम्बेसडर हैं और इनकी इनकम भी आज साल की 2 करोड़ से ज्यादा है। एक हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ, मैडम दीपल पत्रावाला मुंबई की रहने वाली है, 35 लाख रुपए साल महीने की इनकम है मैडम दीपल जी की। ऐसे लोग जो कभी स्कूल ना गए हो किसी कारण से, मिस्टर मोइन खान जो टी शर्ट बेचा करते थे, टेलर मास्टर, और आज BMW चलाते हैं। किसान साथी सुभाष ढांडा जी आज ऑडी चलाते हैं। ऑटो चलाने वाले ऑटो शंकर भाई आज BMW चलाते हैं। और तो और फिजिकली डिसेबल और एक्सीडेंटली चैलेंज लोग जो आज हैं वेस्टीज के अंदर, जिनकी इनकम माय फ्रेंड्स आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसी है। ऐसे स्टूडेंट मिस्टर शिवम गोस्वामी एंड मिस्टर अभिषेक हरसाना जो आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ वेस्टीज में आए और स्टूडेंट रहते हुए गाड़ियां देख लीजिए कौन सी चला रहे हैं, जो आदमी की ड्रीम गाड़ियां कार्स होती हैं जो आप आदमी मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाता कई बार। सो माय फ्रेंड, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए अलग अलग वर्ग से, आज बहुत सारे एग्जांपल आपको सुनने को मिलेंगे इस प्रोग्राम के अंदर भी और वैसे भी। नॉट ओनली दिस, ये लग्जरी कार हमारी कार बुक जिसमें आज 7,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां ली वेस्टीज के कार फंड से। कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको अभी आप मिलेंगे, श्री लोकेश सेठी जी, विशाल शर्मा जी, श्रीश माथुर जी एंड मिस्टर पाहवा हरसाना एंड मिस्टर विष्णुकांत, ये वो लोग हैं जो आपके दिल्ली NCR जिनसे आप मिलते रहते हैं, आज अपनी ड्रीम कार चलाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पर वेस्टीज का खास ध्यान, क्योंकि पूरे विश्व में जितनी लेडीज आज डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं, इफ आउट ऑफ 100 पीपल आई टॉक देर आर 70% फीमेल्स जो आज बड़ा कैरियर वेस्टीज में बना रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में बना रही है। और वेस्टीज ने भी महिलाओं के उत्थान और उनकी आगे ग्रोथ के लिए माय फ्रेंड लीडिंग लेडी बुक एक प्रिंट करी, जिसके अंदर आज वेस्टीज की कामयाबी, महिलाओं की सफलता कैसी है, आप इसके माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते, देख सकते, जान सकते हैं। ऐसे अवार्ड फंक्शन जो हमारे लीडर्स की रिकॉग्निशन के लिए वेस्टीज ने तैयार करे, जो अलग अलग ऑडिटोरियम्स में होते रहे, आज समय थोड़ा अलग है, बट वी हैव सेलिब्रेटेड द रिकॉग्निशन द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स इन वेस्टीज। सो माय फ्रेंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मान सम्मान मिले, कार लग्जरी कार प्राप्त करने का मौका मिले, विदेश यात्राएं जाने का मौका मिले, एक अच्छा कैरियर कमाने का मौका मिले, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली केवल दुकान बदलकर परिवार की सुरक्षा जैसा साधन मिले। मिलिए मैडम सिनेह लता जी से, इनके हस्बैंड ने 2004 में वेस्टीज शुरू करा और आप कहती हैं, आई थैंक वेस्टीज फॉर बीइंग माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर माय हस्बैंड पास्ड अवे। जी हाँ, जब इनके हस्बैंड का स्वर्गवास हुआ, वो क्राउन डायरेक्टर थे, बिजनेस एज इट इज मैडम को ट्रांसफर कर दिया गया और आज मैडम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। माय फ्रेंड, कई बार पता नहीं होता परिवार को कि बड़े क्या काम करके गए हैं, किससे पैसा लेना है देना है, और कई बार परिवार बिखर जाता है। एक और ऐसे ही केस स्टडी जो वेस्टीज के अंदर है, मिलिए आपके सम्मुख जो है उड़ीसा के रहने वाले श्री सुदर्शन मोहंती जी, लेट श्री सुदर्शन मोहंती जी वेस्टीज में करीब 8 वर्ष कार्य कर पाए, 8 से 9 लाख रुपए की आय वेस्टीज में रही जब इनका स्वर्गवास हुआ। आज ये नहीं है, इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती माय फ्रेंड, लेकिन वेस्टीज ने एज इट इज बिजनेस इनके बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, इनकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, आज 12 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है इस परिवार की। ये है परिवार की सुरक्षा। सोचिएगा माय फ्रेंड्स, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोटा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसमें पैसा नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं, उसके बावजूद घर में प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट आप लाते ही लाते हैं, और उनके आने से यदि एक और बेहतर सुरक्षा कवच इनकम का और परिवार की सुरक्षा का बन जाए, तो निर्णय क्यों ना लो। कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी कंपनी
कंज्यूमर के पीछे ही आगे चलती है। क्या करना है, केबीसी सुना है ना, कौन बनेगा करोड़पति, और मैं कहता हूं केबीसीडी, कौन बनेगा करोड़पति, दुकान बदलकर। कौन सी दुकान, के से किचन, केवल दो प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं मार्केट से जो आते हैं वेस्टीज से लेके देखिए, बी फॉर बाथरूम दो प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं वेस्टीज से लेके देखिए, क्लीनिंग कपड़े और बर्तन और किसी भी तरह के प्रोडक्ट वेस्टीज से लेके देखिए, डाइनिंग यानी कि सुरक्षा सेहत की वेस्टीज से लेके देखिए, इसको कहता हूं केबीसीडी, किचन बाथरूम क्लीनिंग डाइनिंग। और यदि इस प्रकार से आप चलकर कार्य करते हैं और अपने जैसे ड्रीमर्स केवल 6 लोगों को चर्चा करते हैं, 100-200 लोगों को हर आदमी जानता है, दुनिया में हर आदमी हर कार्य नहीं करेगा, आपका कार्य है बताना, लोगों का कार्य है निर्णय लेना। यदि 6 लोग भी निर्णय लेते हैं, वो भी आगे इसी प्रक्रिया को आगे लेके चलते हैं, तो नेटवर्क कितना बड़ा हो जाता है, 6, 36, 216, 1296, टोटल नेटवर्क 1555 लोग। यदि अपने घर के लिए 1800, 2000, 2200 का प्रोडक्ट वेस्टीज से लेते हैं, तो आपकी संभावित आय, पोटेंशियल इनकम लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा इस सिस्टम में आती है मेरे फ्रेंड। ये एक एग्जांपल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर मुझे मोटा मोटा बताइए मुझे करना क्या है, मुझे आएगा क्या। आप आए सिस्टम में, रिकमेंड करना शुरू करा, 100 लोगों से चर्चा करी, 6 लोगों ने बात समझी आप जैसे, और बढ़ते बढ़ते ये इनकम आपके लिए। सवाल यदि ये है कि सर हमें तो आता नहीं, हम कैसे करेंगे, चिंता ना करो, वेस्टीज के पास 100% कम्युनिकेशन टूल्स रेडी है, शिक्षा प्रणाली बिल्कुल इन प्लेस है, और केवल एक मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि ऑनलाइन ऐसे वेबिनार्स के माध्यम से आज वेस्टीज अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रहा है, YouTube, Facebook और तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ताकि आप अपने बिजनेस को समझ सकें और समझा सकें अपने लोगों को। सुना है ना आपने, बढ़ेगा इंडिया, तो बिल्कुल ठीक, बढ़ेगा इंडिया, और आज जो समय है वो डिजिटलाइजेशन का है, तो वी आर ऑनलाइन आल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 मिनट फ्रॉम माय साइड, इंपैक्ट ऑफ COVID-19 आपके सम्मुख है, इकोनॉमी कहां है, जॉब्स का क्या सिनेरियो है, व्यापार आज कहां है, और आज के समय पे नौकरियों का स्टेटस क्या है। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियां गवा चुके हैं बड़े फ्रेंड, जो डेटा अभी है, और इससे ज्यादा ही है रादर ये, 22 करोड़ नौकरियां आने में 10 वर्ष लगे और केवल 3 महीने लगे इससे भी ज्यादा जाने में, बड़े फ्रेंड्स क्या होगा, लोगों को पिंक स्लिप मिल रही है क्या होगा, 100 रुपए की आमदनी 50 रुपए आ पहुंची है क्या होगा। ऐसे समय पे समय है निर्णय लेने का, यदि वेस्टीज नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आपके सम्मुख है बड़े फ्रेंड्स। आज ऐसे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी, असेंशियल्स, एग्रीकल्चर और ऑनलाइन सपोर्ट के साथ कार्य करते हूं, जिसमें रिसेशन रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, कोरोना रहा हो, बावजूद लोगों ने पैसा कमाया हो, यदि ऐसा सिस्टम आपके सामने है तो क्या, और यदि नहीं है तो फिर वेस्टीज क्यों नहीं। और मेरे फ्रेंड अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, और आप मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। ये 3 सवालों का जवाब आपने मुझे नहीं देना, आपने देना है उन लोगों को जिन्होंने आपको यहां पर बुलाया है। बड़े फ्रेंड्स समय ऑलरेडी 16 वर्ष वेस्टीज को हो चुका है, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग। एक सिचुएशन आती है जब भी कभी भी किसी देश में, समाज में, वर्ल्ड में, तो किसी बिजनेस को उभार देती है, किसी को भार देती है, वजन दे देती है। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजेशन को देखिए और प्रोडक्ट्स को देखिए, उनका बिजनेस कहां चला गया। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी आज के समय में एक बड़े उत्थान के रूप में कार्य कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रहा है। सो मेरी तरफ से आपको यही कहना था, इट इज टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का आज समय है, करना केवल एक काम, दुकान बदलनी है, करना है उस कंपनी के साथ एसोसिएशन जो आज वर्ल्ड लीड कर रही है, और वेस्टीज इकलौती भारतीय कंपनी है जो आज लोगों के जीवन को बड़ा बनाती जा रही है। माय फ्रेंड फिर भी कुछ सवाल रह जाए तो प्रेजेंटेशन के बाद उन साथियों के साथ बैठिएगा, ताकि वो वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज का सिस्टम और आपको बता सके। मैंने आपको दिया ओवरव्यू आज के समय का, आज की जरूरत का, और आज के साधन का जो आपके सम्मुख है। मिलवाना चाहूंगा कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने वेस्टीज पे कार्य करके आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इस कार्य के लिए मैं बुलाना चाहूंगा और स्टेज हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी विशाल शर्मा जी को। विशाल जी ओवर टू यू, ताकि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सके जो आप अभी प्रेजेंट है हमारी इस मीटिंग के अंदर। विशाल शर्मा जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमें बताया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कैसे अपने दुकानदार को बदल करके, जो प्रोडक्ट हम डे टू डे इस्तेमाल कर रहे हैं केवल उसी को बदल करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ना सिर्फ अच्छी आमदनी ले सकते हैं, हर साल फॉरेन वेकेशन, एक लग्जरी गाड़ी और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हम पा सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू।
फ्रेंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने सिस्टम को तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया मेरे ब्रदर सचिन शर्मा जी के साथ। हम लोगों ने मिलकर के सिस्टम को बिल्ड करना स्टार्ट किया, एजुकेशन को फॉलो किया। कुछ ही समय के अंदर वेस्टिज से क्रेटा कार, ऑडी A4 और DUCD लेवल हम लोग पा चुके हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, वेस्टिज के सेमिनार्स के थ्रू। उसी सीरीज में आज एक बहुत ही बेहतरीन सेमिनार आज शाम को होने जा रहा है, एक वेबिनार हम लोग उसको बोलते हैं। शाम को एक बहुत ही बेहतरीन वेबिनार हो रहा है और उसको कंडक्ट करने के लिए आ रहे हैं खुद वेस्टिज कंपनी के साथ वेस्टिज एम्बेसडर उड़ीसा से मिस्टर जतन नायक जी। शाम को 7 बजे वो सेशन होगा। ये सभी जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे उनकी कामयाबी का राज है कि लगातार ये वेबिनार अटेंड करते रहते हैं, लगातार सेमिनार अटेंड करते रहते हैं। तो शाम को 7 बजे का जो वेबिनार है उसका लिंक आपको आपके अपलाइन के द्वारा या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनके द्वारा आपको मिल जाएगा, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। और ज्यादा सीक्रेट फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे कामयाब होने के। तो फ्रेंड अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा कुछ ऐसे लोगों से जो सिस्टम को फॉलो करके आज बहुत ज्यादा कामयाब है। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा अपने ही लीडर, अपने ही अपलाइन जो आज वेस्टिज बिजनेस से एक ड्रीम इनकम ले रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए महीने की आमदनी उनकी है, फरीदाबाद से वो बिलोंग करते हैं और वेस्टिज बिजनेस के अंदर उनका टाइटल है डबल क्राउन डायरेक्टर का। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे लीडर डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर लोकेश सेठी जी को। लोकेश जी थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम लोकेश सेठी है, जैसे मेरे काबिल दोस्त विशाल जी ने आपको बताया। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। लगभग 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया और जैसे आज आपको बताई गई बातें कि अमीर लोग कैसे बनते हैं, उनको क्या करना चाहिए, यही सारी बातें मैंने सुनी 1998 में और मुझे पहले दिन से समझ में आ गया कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूँ और ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है। मैंने इसमें काम करना शुरू किया पूरी मेहनत के साथ। 10 साल एक कंपनी में काम करने के बाद मेरा हाईएस्ट चेक 52,000 रुपए गया। 2008 में मैं मिला वेस्टिज से और जब मैंने वेस्टिज का प्लान देखा, वेस्टिज के प्रोडक्ट देखे और वेस्टिज की मैनेजमेंट से मैं मिला तो मुझे समझ में आ गया जो मैं चीज वहां 10 साल में हासिल नहीं कर पाया उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ हासिल कर लूंगा। आज जैसे बताया मैं डबल क्राउन डायरेक्टर मेरा लेवल है। आज महीने की तकरीबन 10 लाख रुपए आमदनी मेरी है। जब मैं वेस्टिज में आया था तो मैं बहुत कर्जे में आया था। मैंने पहली गाड़ी ली थी वेस्टिज से वेगनर, सेकंड हैंड ली थी बहुत मुश्किल से। दूसरी गाड़ी मैंने ली स्विफ्ट डिजायर 8 लाख रुपए की कैश डाउन। और तीसरी गाड़ी जिसको मैं लगभग 4.5 साल से चला रहा हूँ, ऑडी Q3 लगभग 42 लाख रुपए की। और आज मैं गर्व से कहता हूँ चाहे सतपाल अदाना जी हो, चाहे विशाल शर्मा जी हो, हर्षाना जी हो, विष्णुकांत जी हो, पावा जी हो, तकरीबन 12 मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो अपनी लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रिप की, इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस बिजनेस से मैं अभी फॉरेन ट्रिप भी ले पाया। अभी हम लोग लगभग लगभग मैं 14 बार फॉरेन जा चुका हूँ और ऑलमोस्ट 25 से भी ज्यादा कंट्री में घूम चुका हूँ इस बिजनेस की वजह से। अभी हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरा 8 साल का बेटा और 1.5 साल की बिटिया, हम साउथ अफ्रीका में थे। हम वेस्टिज की तरफ से हमें घूमने का मौका मिला। पिछले साल हम लोग गए थे जर्मनी, उससे पिछले साल हम गए थे स्पेन और 2017 में मैं अपनी फैमिली के साथ 1 महीने के लिए गया US, जो कि मेरा ड्रीम टूर था। और सबसे अच्छी बात, जैसे आपको सतपाल सर ने बताया पोटेंशियल इनकम या रॉयल्टी इनकम के बारे में, जिस महीने में गया था उस महीने मेरा चेक था 4.25 लाख रुपए का। पूरे महीने मैंने कोई काम नहीं किया वेस्टिज में, मैं 1 महीने US घूमता रहा और जब मैं वापस आया दोस्तों तो मेरी इनकम थी 4.5 लाख रुपए। यानी पूरे महीने काम ना करने के बावजूद भी, क्योंकि मेरी टीम काम कर रही थी, मुझे 4.5 लाख रुपए का पे आउट आ गया। सेम इस तरीके से जैसे अभी कोविड आ रखा है तो मेरी इनकम पे फर्क नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट ये 3 महीने के अंदर मैं 20 लाख रुपए से भी ऊपर कमा चुका हूँ। ये है सिस्टम की पावर। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, मैं एक बड़ा नॉर्मल इंसान था, साधारण इंसान था, इस सिस्टम ने मुझे असाधारण बना दिया, एक सेलिब्रिटी बना दिया। वो सब पॉसिबल कैसे हुआ, जैसे ही मैंने सेमिनार में आना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न। लेकिन बाहर बिजनेस में, बाहर जॉब में आपको कोई नहीं सिखाता। वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप हजारों लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है। और आप में से भी अभी तक किसी को डाउट आ रहा हो कि पता नहीं ये बिजनेस कैसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपके सारे डाउट दूर करने के लिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा आज के हमारे वेबिनार में, 7 बजे के सेशन में। अगर आप उसमें आएंगे तो आपको देखकर यही लगेगा कि अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स आपने सुना लोकेश जी की कामयाबी का राज, शाम को वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा।
अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक यूथ आइकन हमारे बीच में है, अपनी पढ़ाई के साथ अपनी लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया और आज वेस्टीज बिजनेस से एक लग्जरी कार अचीवर है। इनवाइट करना चाहूंगा फरीदाबाद से हमारे साथी मिस्टर अभिषेक हरदाना जी को। अभिषेक जी ओवर टू यू। अभिषेक जी आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप एक बार सिस्टम को अनम्यूट कर दीजिए। विशाल जी क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं आपको। विशाल जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम अभिषेक हरसाना और फरीदाबाद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज को स्टार्ट किया था लगभग 4 साल पहले और बाइक से सफर स्टार्ट किया था, एक पल्सर बाइक थी मेरे पास और धीरे धीरे लोकेश सेट्टी जी, सतपाल अदाना जी, पॉप सिंह आर्य जी और विशाल शर्मा जी सभी की सपोर्ट मिलती रही और सीखते रहे। आज इनकम की बात करूं तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ पहुंच चुकी, टाइम में भी लगभग लाखों की इनकम आ रही है। और अचीवमेंट की बात करूं तो पहली गाड़ी इस सिस्टम से सिलेरियो परचेज की थी जो कि जिस टाइम आई थी बहुत खुशी हुई थी, उसके बाद क्रेटा परचेज की इसी सिस्टम के माध्यम से और अभी चला रहा हूं मैं इसी वेस्टीज के कार्बन के माध्यम से BMW X1 जो कि लगभग 52 लाख रुपए की गाड़ी है और जो कि मेरी ड्रीम कार थी। और इसी सिस्टम के माध्यम से 2021 के अंदर मुझे अपना घर बनाना है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही सिस्टम की शुरुआत की थी, वेस्टीज की शुरुआत की थी। पॉप सिंह आर्य जी है जिन्होंने हमें इस बिजनेस में जो लेके आए और अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं LLM कर रहा हूँ KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गावा से। और थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू अभिषेक जी। फ्रेंड्स आपने सुना अभिषेक जी को पढ़ाई के साथ साथ ही BMW कार वो ले चुके हैं, बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा फरीदाबाद से ही हमारे एक और साथी, हमारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर पॉप सिंह आदेश जी। पॉप सिंह आदेश जी ओवर टू यू। जी गुड मॉर्निंग सभी को। विशाल जी थैंक यू। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा लेकिन उससे पहले मैंने अनेकों काम किए, जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस में जॉब किया मैंने, सेल्स परचेज के अंदर टाइम फिटिंग चार्ज के रूप में रहा, टाइम की फैक्ट्री उपरा के अंदर खोली, लॉसेज हुआ बंद किया, प्रॉपर्टी का काम फरीदाबाद के अंदर शुरू किया, रामदेव जी की एजेंसी खोली, परचून की दुकान खोली, रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया, अनेकों काम मैंने किए। लेकिन इतने सारे काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद भी मैं वह सफल नहीं हुआ। लेकिन इस वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम जो कि मुझे सतपाल जी, लोकेश जी ने इसके बारे में बताया था, थैंक्स करना चाहूंगा उनका भी, कि इस सिस्टम के मैं आकर के मैं कामयाब हुआ। पहला मेरा पेआउट था 57 रुपए का और उसके बाद मैं जैसे ही मैं 3-4 महीने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना, 8,910 रुपए का पे आउट था, 20,000 का पे आउट आते ही फुल टाइम वेस्टीज कर दिया और हाई चेक लगभग 3 लाख रुपए महीने तक पहुंचा। और इसी के साथ साथ जब मैं इससे पहले रहता था एक कॉलोनी के अंदर आदर्श नगर वल्लभ के अंदर, लेकिन आज एक KLG सोसाइटी के अंदर जहाँ 4 BHK का फ्लैट है जिसके अंदर मैं आज एंजॉय करता हूँ, लगभग 65 लाख की कीमत है। माय डियर फ्रेंड, इस वेस्टीज सिस्टम के माध्यम से मैं 3 विदेश यात्रा करके आया। क्रूज का पहला मेरा टूर था जो कि वाइफ के साथ में मैं गया मलेशिया, थाईलैंड, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इस प्रकार से ये अन्य टूर मैंने लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये मेरी जो लाइफ है यहां से बदली सिर्फ एक दुकान बदल के, आप भी ये बदल सकते हैं जैसे मेरी बदली, बहुत सारे लोगों की बदली इसी प्रकार से। माय डियर फ्रेंड्स मैं थैंक यू विश वेल। थैंक यू पॉप जी, थैंक यू वेरी मच आपके अपने टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए। फ्रेंड अब मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे एक और साथी को जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया था और आज वो हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुशील कुमार जी दिल्ली से। सुशील कुमार जी क्राउन डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं आज से 5 वर्ष पहले मैंने अपनी दुकान के साथ साथ वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया था अपने पार्ट टाइम में और टोटल ग्रोथ सिस्टम से मैं सीखते सीखते वेस्टीज के अंदर आज क्राउन डायरेक्टर बना हूं अभी लॉकडाउन के अंदर। और सर यहाँ से मेरी पहली इनकम जो थी वो 50 रुपीज थी, पहला जो चेक था मेरा, और यहाँ से आज मेरी एवरेज इनकम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है अभी। और यहाँ से मैंने एक वैगनार कार ली है और अभी मैं विदेश यात्रा होकर आया हूँ, थाईलैंड का टूर था हमारा
सर मेरी प्रॉपर जिंदगी बदल गई वेस्टीज ने, और मैं ये कहूंगा सभी लोगों को कि सर आज वेस्टीज के अंदर आइए और आप भी अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा दिल्ली से ही हमारे एक और साथी मिस्टर राजेंद्र पाल जी। राजेंद्र पाल जी हमारे क्राउन डायरेक्टर दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच विशाल सर, आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू सो मच सतपाल सर एंड लोकेश सेठी सर कि मुझे ये मौका दिया, वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म दिया, और आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों के बताए हुए रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ। साथियों इससे पहले मैं 13 साल दिल्ली के अंदर में जॉब किया, जिसमें 10 साल तकरीबन मैं एक ड्राइवर की नौकरी करता रहा दिल्ली में, और जो मेरी वहाँ पे हाईएस्ट जो तनख्वाह मेरी पहुंची थी वो 13,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर मैं पहुंच पाया था। वेस्टीज शुरू किया था अगस्त 2016 के अंदर में पार्ट टाइम में अपने ड्राइवर की जॉब के साथ में करना शुरू किया। 235 रुपये का पहला पे आउट रहा मेरा यहाँ पे, और हाईएस्ट जो पे आउट मेरा गया यहाँ पे 104,214 रुपये का गया है। एक शानदार यहाँ से गाड़ी आज मैं खुद की ड्राइव करता हूँ, नेक्सा बलिनो, और अभी सतपाल सर लोकेश सर के साथ में, पॉप सिंह आर्या सर के साथ में मैं थाईलैंड घूम करके आया, थाईलैंड और पढ़ाया, और जो कि बताऊं तो फ्रेंड ने ये मेरे पूरे खानदान का इकलौता मैं ऐसा रहा व्यक्ति जो कि विदेश की धरती पे कभी गया हूँ और फ्लाइट में बैठा हूँ, राइट। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज की बदौलत, ग्रॉस सिस्टम की बदौलत, और मेरे ये सारे प्यारे अपलाइन की बदौलत। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और बस आप सबकी ऐसी ब्लेसिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स हमें मिलवाना चाहूंगा हमारे एक और कलीग, हमारे एक और क्राउन डायरेक्टर मिस्टर कृष्ण अवतार जी से। कृष्ण अवतार जी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण अवतार है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। माय डियर फ्रेंड, पहला मेरा जो बिजनेस था LIC ऑफ इंडिया में मैं काम किया करता एज ए एजेंट, और इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था हेल्थ के रिगार्डिंग। मेरी हेल्थ अच्छी हुई, उसके बाद में फिर मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया। सतपाल सर, हेमंत सर और लोकेश सर के संपर्क में आया, इस बिजनेस की गहराइयों को मैंने जाना सीखा और इनकी बातों को फॉलो करना शुरू किया, और माय डियर फ्रेंड मेरी जिंदगी भी यहाँ से बदलना शुरू हो गई। मेरा पे आउट था यहाँ से 18 रुपये, हाईएस्ट पे आउट मेरा 1,22,981 रहा यहाँ से। माय डियर फ्रेंड, इससे पहले मैं बाइक मेंटेन किया करता था, लेकिन वेस्टीज की बदौलत आज मैं नेक्सा बलिनो कार ड्राइव करता हूँ। 2 साल से ज़्यादा हो गए नेक्सा बलिनो कार को ड्राइव करते हुए, और माय डियर फ्रेंड इससे पहले मैं कभी विदेश नहीं गया था, तो वेस्टीज के सिस्टम के माध्यम से 2 बार मैं विदेश जा चुका हूँ, और ज़िंदगी माय डियर फ्रेंड बहुत बदल चुकी है, और अब बहुत बड़े टारगेट के लिए मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ। 2025 के लिए मेरा माइंड सेट हमने कर लिया है कि 1-2 करोड़ का घर यहाँ से लेना है वेस्टीज सिस्टम के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को यहाँ से बदलना है। माय डियर फ्रेंड, खुद सीखा और लोगों को सिखाया, और बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ में, बहुत एक्साइटमेंट के साथ में इस सिस्टम को कर रहा हूँ, और सभी का धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सतपाल सर, थैंक यू लोकेश सेठी जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की गहराइयों को बताया, समझाया, और मुझे सफलता मिलती गई। विद दिस थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच कृष्ण अवतार जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक पावर कपल से जो दिल्ली से हैं, और उनको मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, वेस्टीज बिजनेस के अंदर कुछ समय से काम करना शुरू किया, आज क्राउन डायरेक्टर है। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा नीलम कटारिया जी और पवन कटारिया जी दिल्ली से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कटारिया है, और इस बिजनेस 3.5 साल पहले शुरू किया, मिला था ये बिजनेस 2008 में भी, लेकिन तब हमें लगा कि ये बिजनेस पे थोड़ी कम कमाई है, तो मैं रियल स्टेट पे चला गया, ज्यादा कमाई के उसमें। लेकिन रियल स्टेट बिजनेस की भी वो हालत देखी जो आजकल दूसरे बिजनेस की आप देख रहे हैं। लगभग 4 साल पहले लॉस से खत्म हुआ है बिजनेस, और दोबारा शुरू किया वेस्टीज को। पहले महीने की इनकम आई 742 रुपये, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1,56,856, और 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में हमें 3 महीने से लगातार मिल रहा है। ये हुआ है सारा किस वजह से, क्योंकि सीखना बंद नहीं किया, सीखते रहे और यहाँ पर आगे बढ़ते रहे, और सीखने के लिए एक सिस्टम मिला जिसमें मुझे पता चला कि आज जो सज्जन शाम को आ रहे हैं, इनको मैं मिला था पहले भी, 4 से 5 हजार रुपये महीना कमाते थे ट्यूशन से, और कैसा एक सिस्टम है जो 4-5 हजार रुपये महीना कमाने वाले इंसान को 16 लाख तक पहुंचा देता है, और ऑडी Q3 क्या
अचीवर बना देता है। इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं यहाँ पे आज देखें, और ये बन चुके हैं आज हमारे अम्बेसडर भी कंपनी के। एक आम आदमी अम्बेसडर तक बन सकता है, इतना स्कोप है यहाँ पर। हमने काम करते करते इतनी मेहनत करी, लास्ट में जीरो हो गया बिजनेस, लेकिन यहाँ पर जब मेहनत कर रहे हैं आगे दिखाई दे रहा है कि विद इन वन ईयर हमारा चेक होगा 5 लाख रुपए महीना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पवन जी। फ्रेंड आपने जाना, वाकई में सफलता का फॉर्मूला है, सीखते रहना, और शाम को 7 बजे हम सभी लोग तैयार रहेंगे सीखने के लिए वेस्टर्न एम्बेसडर मिस्टर जितेंद्र नायक जी से। फ्रेंड अब मैं मिलवाना चाहूंगा आपको हिमाचल प्रदेश से हमारे लीडर राजकुमार जी से। तो हिमाचल प्रदेश जी सर, गुड मॉर्निंग, मैं सर राजकुमार और हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सतपाल सर का, जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और माय स्टूडेंट, मैंने वेस्टी की शुरुआत आज से 2.5 साल पहले किया है। जो मेरी शुरुआत की जो मेरी इनकम वेस्टी थी 196 रुपीज थी, एंड जो हाईएस्ट इनकम वेस्टी से मेरी रही वो रही 1,02,296 रुपए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस 2 साल के करियर में मैं देन 2 विदेश यात्राएं दी, और सबसे बढ़िया 2 विदेश यात्राओं पर अकेले नहीं गया, अपने साथ टीम के लोगों को भी लेके गया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इस इंडस्ट्री में वेस्टिज में मैं खुद तो ग्रो कर रहा हूं, बट मेरे साथ जो भी हाथ मेरे साथ मिला रहे हैं वो भी ग्रो है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू राजकुमार जी। फ्रेंड अब मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश से ही एक और अचीवर मिस्टर मदन लाल जी को। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथी मिस्टर मदन लाल। ओके, शायद सिग्नल इश्यूज की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर मिलवाना चाहूंगा फरीदाबाद से हमारे एक और यूथ टाइकन को, जो बहुत ही यंग एज के अंदर उन्होंने वेस्टीज बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी शुरू कर दी है। मैं बुलाना चाहूंगा फरीदाबाद से हेमंत अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग विशाल सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं सभी अपलाइंस का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी डाउनलाइन का। मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है। लगभग 5 साल पहले मुझे वेस्टीज के सिस्टम को जानने का मौका मिला और मुझे समझ में आया कि 15 साल पढ़ाई करने के बाद 15,000 रुपए की नौकरी मिलना इम्पॉसिबल सी लगती थी। और ये आज आप और हम देखते भी हैं, आज लोग बीकॉम तक भी कर लेते हैं, एमबीबी कर लेते हैं, फिर भी जॉब नहीं है। लेकिन मैंने सिस्टम की पावर को समझा, रेगुलर काम किया और पहली इनकम 59 रुपए इस सिस्टम के माध्यम से, और हाईएस्ट पे आउट लगभग 2.25 लाख रुपए का। विदेश में दूसरा लड़का, खानदान में दूसरा लड़का बना विदेश में जाने के लिए, और 2-3 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूं, 2 गाड़ी ले चुका हूं और आगे बहुत जल्दी नए लेवल की तैयारी। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दी टेस्टिमोनियल। मैं हमारे साथ में बिल्कुल दिख रहे हैं हमारे आगरा से मिस्टर गिरीश जी। तो मैं चाहूंगा गिरीश जी फ्रॉम आगरा, आप भी अपने बारे में कुछ शेयर करें। गिरीश जी फ्रॉम आगरा। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ गिरीश पासवाल फ्रॉम आगरा, और मैं उन भाग्यशालियों में हूं कि मुझे वेस्टीज बिजनेस जानने का मौका मिला। इससे पहले मेरी जिंदगी नरक बनी हुई थी। मेरा प्लास्टिक स्क्रैप का होलसेल का कारोबार था, जहां मैं करोड़ों रुपए लगा के लाख नहीं कमा पाता था, लेकिन वेस्टीज में मैंने 1,000 रुपए लगाए और लाख रुपए महीने कमाने लगा। मैं आभारी हूँ लोकेश सेठी जी का, जो हमें आके समझाते थे, हमें बताते थे कि ये बिजनेस आपको टाइम मनी सिक्योरिटी सब कुछ दे सकता है। इस बिजनेस के थ्रू आज मेरे परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है, और बहुत शानदार टीम पूरे इंडिया में काम कर रही है। 3 बार मैं विदेश जा चुका हूँ, और जो टी शर्ट पहनी हुई है ये सबसे पहले जब मैं दुबई गया था तब मुझे वहां मिली थी, फिर अगले साल मुझे मिली थाईलैंड में, फिर मलेशिया। मेरा इतना सा कहना है, इस बिजनेस को कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, गरीब हो, अमीर हो, बुजुर्ग हो, लाचार हो, अंधा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यानी ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है धरती पर जिससे कोई भी इंसान सिर्फ 1,500 रुपए लगा के कर सकता है। वो अपनी जरूरत का सामान खरीदे, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करे, बुरा लगे तो वापस कर दे। जैसे कभी सतपाल अदारा जी ने बताया था कि हमारे सारे प्रोडक्ट पर 100% मनी बैक गारंटी है। मैं बहुत खुश हूं, मुझे बड़ा जीवन जीने का आनंद आ रहा है, और आज 58 साल की उम्र में भी मैं अपने आप को 28 साल का महसूस करता हूं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ड्रीम क्लियर है। अपलाइन की सपोर्ट से इस सिस्टम को सीखते हुए मैंने टारगेट बनाया है कि 5 लाख रुपए की इनकम 12 जनवरी 2021 को मुझे यहां से लेनी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, सतपाल अदाना जी, लोकेश सेठी जी, और मेरे सारे सभी मेंटर्स जिन्होंने मुझे पिछले 8 साल में धीमे धीमे सिखा के इस लाइक बनाया है कि मैं आपके सामने बोल पाया हूँ। थैंक यू सो मच पॉपची गारिया जी,
लोकेश जी, सतपाल जी और सभी को मेरा बार बार नमस्कार। थैंक यू गिरीश जी। फ्रेंड्स, अब मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा हमारे लीडर को जिन्होंने सेशन को कंडक्ट किया था हमारे लिए। मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा सतपाल अधाना जी को। सतपाल जी, ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू सो मच विशाल जी एंड ऑल अचीवर्स। एंड अभी गिरीश सर ने बड़ी कमाल की बात कही, आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा जी मैं 58 साल की एज का हूँ और लेकिन मैं अपने आप को जो है 28 वर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड, ये सच्चाई है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, वेस्टीज के अंदर की चीजें आज लोगों को इतनी ताकत देती हैं और आज वेस्टीज के अंदर की जो चीजें हैं वो बेहतर भविष्य के लिए बहुत आगे बना लेके जा रही है। मैं आपको जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि मेरी भी शुरुआत इस बिजनेस में जॉब के साथ हुई। आई जस्ट स्टार्टेड विद माय जॉब और करीब मुझे 7 वर्ष हो गए। 400 रुपए से इनकम शुरू हुई, हाईएस्ट चेक लगभग 7,18,000 रुपए पहुंचा। 2 गाड़ियां ले सका, पहली ब्रेजा ली, फिर ऑडी Q3 ली, 12 कंट्रीज होके आया और ये बिल्कुल एक अलग अध्याय है। तो मैंने अपने आप को जीरो